सबसे पहले उनका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त है, प्राप्त हो, उसके बाद इस ज्ञान चर्चा का श्याम सुंदर जी द्वारा आरंभ होगा। साथ ही मैं बता दूं, आज देश के बहुत सारे कथावाचक जुड़े हुए हैं, परम भागवत हमारे सुकेशाचार्य जी हैं, पुंडरीक शास्त्री जी हैं, और भी ऐसे कई जो भागवत के मर्मज्ञ हैं, नरोत्तम जी हैं, सभी लोग आज सुन रहे हैं पराशर जी को, ये हम सबका परम सौभाग्य है। अब गुरु जी से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मधुसूदन जी, कुलपति जी बुलाइए। जी जी गुरु जी। शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा सर्व विद्याधिष्ठात्री भगवती शारदाम्बां प्रणमामि। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आज संत प्रवर श्याम सुंदर जी महाराज हमारे अल्प निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं, और उनके पधारने का एक ही एकमात्र कारण है कि उनकी शास्त्रों के प्रति निष्ठा, काशी और काशी की शास्त्र परंपरा के प्रति उनकी श्रद्धा ही एकमात्र कारण है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो अत्यंत व्यस्त व्यक्ति हैं, फिर भी काशी से कोई निमंत्रण आया है, वो भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आया है, तो वो बिल्कुल एक भी आवाज नहीं आ रही, एक अक्षर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्या दिक्कत है? पूजा जी सुनाई नहीं दे रहे? नहीं सुनाई दे रही है गुरु जी। शर्मा बिना शुरू थे। नहीं माता जी, क्या आपके यहाँ दिक्कत है? माता जी ये सुनाई दे रही है। मधुसूदन जी कंट्रोल करिए, आवाज ना है किसी की। सर्वप्रथम अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। विगत 2 वर्ष से पूर्व जब मैंने इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, तो यह ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था। ज्ञान चर्चा हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के बीच में तो प्रतिदिन होती रहती है। यहाँ उपनिषदों और समस्त षडंग दर्शनों का, समस्त वेदों का अध्ययन अध्यापन होता ही रहता है, किंतु जनसामान्य के उपयोगार्थ कोई योजना चलानी चाहिए, इस दृष्टि से हम लोगों ने ज्ञान चर्चा नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया। विश्वविद्यालय परिसर स्थित वागदेवी मंदिर के भव्य सभागार में यह प्रायः प्रतिमास अथवा कभी कभी मास में 2 बार भी यह आयोजन होता है, और विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि इस ज्ञान चर्चा सत्र में बहुत बड़े बड़े आचार्य, विश्व के नामांकित आचार्य, उदाहरण के रूप में मैं 2-4 नाम लेना चाहूंगा, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज, आनंद सुब्रमण्यम शास्त्री जी महाराज, ऐसे अनेकों नाम हैं जो इस श्रृंखला को गौरवान्वित करते हैं, और उनके वचनामृत से हमारा सारा समाज अप्लावित होता रहा है, और वो परंपरा आज भी चल रही है। इस भीषण महामारी के दौर में भी हमने उस परंपरा को रोका नहीं, और ऑनलाइन माध्यम से प्रथम हमने 18 दिनों में गीता स्वाध्याय शाला के रूप में ज्ञान चर्चा का आयोजन किया। उसके बाद नवधा भक्ति, नवविधा भक्ति के ऊपर 9 दिनों तक व्याख्यान चला, और अभी अभी आगे चल ही रहा है उपनिषद स्वाध्याय के रूप में, और 3 उपनिषदों पर 9 दिनों का ज्ञान चर्चा सत्र चल रहा है। और आज यह, और आज के तुरंत बाद 4 तारीख से भागवतामृतम नाम से 7 दिन का श्रीमद् भागवत पर एक ज्ञान चर्चा सत्र होने वाला है। तो निरंतर समाज के हितार्थ हम लोग ये आयोजन करते रहते हैं। आज हम लोग का गौरव है, हम लोग का सौभाग्य है कि महाराज श्री श्याम सुंदर जी महाराज जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, और श्रीमद् भागवत के तो वो
गूढ़ वेत्ता है ही हैं। और उन्होंने आज जो विषय चुना है राजपंचाध्याय, वह तो हम उसका क्या वर्णन करें, वह एक दर्शन भी है, भक्ति तत्व भी है, और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो अलंकारिक दृष्टि से देखा जाए तो अलंकार शास्त्र में वर्णित जितने भी प्रधान अलंकार हैं, वह इन पंचाध्यायों में उपलब्ध होते हैं। तो एक सर्वोपांग सर्वांगोपांग सर्वविध समुन्नत यह अंश है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध तो अपने आप ही महत्वपूर्ण है, और उसमें भी यह जो राजपंचाध्यायी है वह उसी पर वस्तुतः निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम यह चरितार्थ होता है। समस्त निगमों का सार उस राजपंचाध्याय में हमें मिलेगा, सभी उपनिषदों का सार हमें राजपंचाध्याय में मिलेगा। यदि हम अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखते हैं या अन्य किसी वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वेश सर्वासाम उपनिषदाम अद्वैते ब्रह्मणि तात्पर्यम कहा गया है। परब्रह्म में समस्त उपनिषद गतार्थ होते हैं, परब्रह्म के अतिरिक्त तो उपनिषद का कोई तात्पर्यार्थ होता नहीं है। शब्दार्थ उपनिषदों के अनेक हो सकते हैं, तात्पर्यार्थ एक होता है, वही है परब्रह्म परमात्मा, अतिरिक्त कोई तात्पर्यार्थ नहीं है। और उस जो तात्पर्य अर्थ होता है वही मुख्यार्थ कहा जाता है। शब्दः तमेव अर्थं वदति यः अनम्यूट करिए गुरु जी। तात्पर्य विषयभूत अर्थ का कह तत्व परमात्मा तत्व उसको गोपियों से अधिक किसी ने नहीं जाना। गोपियां स्पष्ट कहती हैं कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। आप देखिए उपनिषद कहते नेह नास्ति किंचन, और दूसरी तरफ कहते हैं सत् सर्वं खलविदं ब्रह्म। तो आप जो हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप गोपिका नंदन नहीं हैं, अभी तो क्या है परमात्मा है। तो ये तत्व बोध गोपिकाओं को हो चुका है, यही उपनिषद का सार है। किंतु अगर इतना ही भागवत का तात्पर्यार्थ होता तो वह उपनिषद का अनुवाद मात्र माना जाता। लेकिन हम लोग की यह धारणा है कि श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम होने के कारण वह उससे भी ऊपर है। निगमों का सार होने के साथ साथ वह उससे अधिक कुछ कहता है। इसीलिए गोपिकाएं कहते हैं कि हम जरूर जानते हैं कि आप परमात्मा हैं, लेकिन हमें परमात्मा के रूप में आप स्वीकार नहीं हैं, हमें वही कृष्ण स्वीकार हैं जो हमारे साथ रासलीला करे, हमारे मक्खन को चुराए दे। अब देखिए भक्ति का उद्रेक कितना है कि वो कहते हैं कि यत् ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु। अब देखिए कोई भी स्त्री कोई भी भगिनी इतने उदात्त भाव में नहीं जा सकती है, लेकिन गोपियां वहां तक पहुंच चुकी हैं। यह उनके भक्ति का उद्रेक है। किंतु आप देखें भक्ति के उद्रेक में भी भगवान नियंत्रण करते हैं कि भक्ति के का उद्रेक अवश्य हो, लेकिन भक्ति का भी गर्व अभिमान नहीं होना चाहिए। हम भक्त हैं ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए, हम दानी हैं ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कि हम दान उसी को दें जो अनुपकारी हो। आजकल दान उसी को दिया जाता है जिससे कुछ हमें प्राप्तव्य हो या अपेक्षा हो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं सुतम्। तो दान का भी गर्व नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से भक्ति का गर्व नहीं होना चाहिए।
उस समय लेश मात्र गर्व हुआ था गोपियों को कि हम भगवान के सबसे निकट हैं, हमारे पास ही आना चाहिए भगवान। इसलिए भगवान उनके उस भक्ति के गर्व को प्रशमन करने के लिए उनको वहां अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन एक बात अवश्य हम लोग को समझनी चाहिए, भगवान जब भी कोई दंड देते हैं तो उसके पीछे दंड देना उनका ध्येय नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, अपितु प्रसाद आशीर्वाद देना उनका उद्देश्य होता है। इसलिए भगवान शुकदेव व्यासदेव जी कहते हैं कि प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ये अत्यंत अद्भुत ये रासपंचाध्याय है। शब्दों की अगर शैया देखे तो यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु, शब्द शैया आप देख सकते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः भगवान अपि तारात्रीः, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया समाश्रिताः। आप काव्य शास्त्र की दृष्टि से इसका अध्ययन करना चाहे, वेदांत शास्त्र की दृष्टि से इसका अध्ययन करना चाहे, एक एक श्लोक पूरे दिन व्याख्या किए जा सकते हैं। ऐसे यह रासपंचाध्याय अद्भुत जीवन दर्शन है, अद्भुत दर्शन शास्त्र है, अद्भुत भक्ति शास्त्र है, अद्भुत सौंदर्य शास्त्र है। कौन सा शास्त्र यह नहीं है, और उस पर आज हमें कुछ चिंतन करने का अवसर मिला है। हमारी तो इच्छा थी कि महाराष्ट्र को अगर कोई ऐसा अवसर हो तो वो 5 दिनों पर का एक कोई रासपंचाध्याय पर विशिष्ट प्रवचन दें। प्रत्येक अध्याय मेरे दृष्टि में से तो एक एक श्लोक एक एक दिन के लिए कम पड़ेंगे, एक एक दिन एक एक श्लोक के लिए कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई कभी अवसर मिले तो सब इसी माध्यम से 5 दिनों तक रासपंचाध्याय पर हम लोग को मार्गदर्शन करें, भक्त समाज अत्यंत उपकृत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः महाराष्ट्र के प्रति संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार और यहाँ जुड़े जो हजारों की संख्या में मैं देख रहा हूँ कि देश विदेश से लोग ज्ञान तत्व के पिपासु लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की ओर से आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूँ। नमस्कार। न श्रूयते ओझा जी, न श्रूयते मधुसूदन जी। हाँ गुरु जी, हाँ अनम्यूट हो गया, बोले बोले। देख अभी अभी हम सबको कुलपति जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, जैसा कि गुरुदेव ने अभी कहा है कि समस्त शास्त्रों का समावेश इस भागवत में है। कहा भी जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेदांत देखें वेदांत मिलता है, द्वैत देखें द्वैत मिलता है, अद्वैत देखें अद्वैत मिलता है, भक्ति तो कहना क्या है, ज्ञान के विषय में कहना क्या है, वैराग्य के विषय में कहना क्या है। यह कहा जाए कि हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों को एक साथ देखना हो तो हमें भागवत का अध्ययन करना चाहिए। न कर सकें तो आज जैसे वक्ता उपस्थित हैं श्याम सुंदर जी महाराज, इनके विषय में पूरी काशी विद्वत परंपरा हमेशा चर्चा करती रहती है। और हम सभी जानते हैं जब तात्विक कथा की बात आती है, शास्त्र सम्मत कथा की बात आती है, तो श्याम सुंदर जी का नाम हर व्यक्ति लेता, हर विद्वत जन लेता है। और मेरी भी अभिलाषा थी कि पराशर जी के द्वारा इस जूम के माध्यम से इस कोरोना महामारी काल में एक कथा हो, एक व्याख्यान हो। पूरी समस्त सृष्टि इस समय ऐसे रोग से पीड़ित है, ऐसे समय में भागवत की आवश्यकता है। भागवत रस पी करके, भागवत रस ऐसी औषधि है जिसका पान करके हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, और साक्षात परम पूज्य आज के वक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर जी से मैं निवेदन करता हूं कि प्रदत्त विषय पर अपना प्रकाश डालें,
हम सबको अपने ज्ञान से अपलावित करें। पराशर जी महाराज जी, मधुसूदन जी अनम्यूट करिए। हाँ गुरु, इधर से अनम्यूट कर दिए। हाँ, हो गए। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। नौमी ड्यते भ्रभपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षर संगुहाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विसाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय ब्रह्मादि जय संगूढ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए ना सतबे अने बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस ज्ञान चर्चा के कार्यक्रम के अध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी महाराज, न्याय शास्त्र के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान जिनके कार्यक्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपनी प्राचीन स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसे पद वाक्य प्रमाणज्ञ परम कारुणिक सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री राजा राम शुक्ल जी महाराज तथा इस ज्ञान चर्चा सत्र के आयोजक व्याकरण शास्त्र के विद्वान अपर पाणिनी छात्र वत्सल राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित वैयाकरण कुल के भूषण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के परमाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा जी महाराज तथा इस जूम ऐप के माध्यम से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाले सभी अध्येताओं और जिज्ञासुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसे विशिष्ट विद्वज्जनों के बीच में आज कुछ भगवत चर्चा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। पुराण तिलक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय विग्रह कहा गया है। जब भगवान परम धाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपके अभाव में हमारा क्या होगा, तो भगवान बोले हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, मैं अपने रूपांतरण से ग्रंथ के रूप में आपके बीच ही रहूंगा। और भगवान का वह दिव्य जो तेज था, स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधा, भगवान अपने उस दिव्य तेज को भागवत में सन्निहित करके विराजमान हो गए। इसलिए तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में भी दसम स्कंद भगवान का हृदय है और दसम स्कंद में भी जो 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक जो 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन है, ये तो साक्षात भगवान के पंच प्राण ही हैं, जिसकी चर्चा आज हम लोग करने के लिए उपस्थित हुए। वैसे तो अब रास पंचाध्यायी जैसा गंभीर विषय, जैसा कि अभी हमारे परम श्रद्धेय कुलपति जी महाराज ने कहा था कि उसके तो एक एक श्लोक में अद्भुत आनंद और रस भरा हुआ है। भगवान साक्षात रस स्वरूप हैं, रसो वैसह रसम हेवानम लब्धानंदी भवति, तो परमात्मा वह साक्षात रस स्वरूप हैं। अब उस रस रूप परमात्मा का
साक्षात रसास्वादन कैसे किया जाए, उसी के लिए भगवान ने यह दिव्य महारास ब्रजधाम के मध्य समस्त रसिकों का आह्वान करके शरद पूर्णिमा पर आयोजित किया। आज हम केवल उसके जो मुख्य कुछ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस विस्तार से जाने का तो समय नहीं है। कभी भगवान ने इच्छा करी और आप सब की प्रेरणा हुई तो आप सबके बीच में बैठ के कभी 5 दिन तो कम से कम इस चर्चा में हो, तब उसमें आनंद पूरी तरह लिया जाए। इस समय तो कुछ बिंदुओं पर केवल प्रकाश। सबसे पहला जो भागवत रास पंचाध्याय का श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान शब्द से ही महाराज लीला का शुभारंभ किया। और भगवान का मतलब क्या है? जो षडैश्वर्य संपन्न है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भगवदीरिणा। ये 6 भग जिसमें पूर्णतः विराजमान हो वो भगवान है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उस परमात्मा की यह दिव्य लीला महाराज लीला है। और इस रासलीला में हमारा ठीक से तभी प्रवेश संभव है जब हम श्री कृष्ण के योगेश्वरेश्वर स्वरूप को समझ लें। श्री कृष्ण केवल योगी नहीं है, योगेश्वर भी नहीं है, वो योगेश्वरेश्वर है। इसलिए जहां जहां रासलीला में चर्चा आई है भगवान श्री कृष्ण की, तो योगेश्वरेश्वर कह के सुखदेव जी ने उनका स्मरण किया है। तो ऐसे योगेश्वरेश्वर स्वरूप श्री कृष्ण का समझ में आ जाए, और फिर भगवान की आह्लादनी शक्ति, वृषभानुनंदनी, रास रासेश्वरी भगवती राधा रानी के स्वरूप को हम समझ लें कि राधा रानी कौन है, जो साक्षात श्री कृष्ण की आधारभूत आह्लादनी शक्ति है। राधा का मतलब जो सबकी आधार, हम सबका आधार क्या है? धरा, धरती पर हम लोग सब आधारित हैं, तो धरती का भी कोई आधार है। धरती जल पर, जल में आधारित है, जल अग्नि में आधारित है, अग्नि वायु में आधारित है, वायु आकाश में आधारित है, कोई ना कोई एक दूसरे का आधार बना हुआ है। परंतु अंत में जाके कहीं तो ठहरना पड़ेगा कि बस बस यही सबका अंतिम आधार है। तो आधारों का जो अंतिम आधार है उसका नाम है श्री राधा। आधार आधार अविरल गति से हम कहने लग जाएं तो राधा नाम अपने आप प्रकट हो जाएगा। आधार 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 आधार, तो आधार की अंतिम परिणति राधा, भगवान की पूर्ण आधारभूता आह्लादनी शक्ति। राधा और कृष्ण कहने में दो हैं पर तत्वतः एक ही है। एक ज्योतिर्भविद्वेधा राधा माधव रूपकम, जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीताराम जी भी अभिन्न तत्व हैं, श्री राधा कृष्ण भी अभिन्न तत्व हैं, उसी प्रकार गौरी शंकर भी अभिन्न तत्व हैं। वागर्थाव संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्त जगत पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो ये कहने में दो हैं, जैसे चंद्रमा की चांदनी, जैसे सूर्य की किरण, जैसे जल की तरंग, जैसे शब्द का अर्थ, ये कहने में दो हैं परंतु तत्वतः विचार करने पर ये एक ही है। ऐसे श्री राधा और कृष्ण हैं। तो ऐसी यहां पर राधा रानी का सुखदेव जी स्पष्ट नाम नहीं लेते, क्योंकि राधे कहते ही सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है, इतने आनंद में विभोर हो जाते हैं। इसलिए वक्ता सावधान रहता है, जिस विषय में वो अत्यंत भाव में डूब जाए तो या तो अर्थ सम्मरण करता है, भाव सम्मरण करता है, और वो प्रयास करता है, क्योंकि एक तरह पूर्ण रूपेण यदि वक्ता डूब जाएगा तो फिर कथा नहीं कह पाएगा। बोले बाबा, जब जब राम कथा कहते समय प्रेम में डूबने लगते हैं तो पुनः मन बाहर कीन, तुरंत अपने मन को सावधान मन कर पुनः संकर, लागे कथा कहन अति सुंदर,
तो सावधान होकर के कथा कहते हैं, क्योंकि वक्ता डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, कथा भी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए सुखदेव जी सावधान है, कहीं राधे कहते ही हमारी समाधि लग गई तो हम परीक्षित को जो 7 दिन के मेहमान हैं उनको कथा कैसे सुना पाएंगे। इसलिए संपूर्ण भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं, वैसे तो परोक्ष रूप में तो लिया है, पर स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया। और वैसे जो कितना बहुमूल्य रत्न होता है उसे छुपा करके तिजोरी में ही रखा जाता है, सबको नहीं दिखाया जाता है। आपने भव्य दिव्य भवन बनाया हो तो आने वाला को सबको दिखाएंगे कि ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, सब पूरा भव्य भवन दिखाओगे, पर ये किसी को नहीं बताओगे ये हमारी तिजोरी है और इसमें इतना माल है और इसकी ये चाबी है। ये जो जितना मूल्यवान पदार्थ वस्तु होती है उसे उतना ही छुपा करके रखा जाता है। इसलिए शब्दों की मंजूषा में शुकाचार्य जी महाराज ने भी राधा रत्न को बहुत छुपा करके भागवत के भव्य भवन में रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं योग माया मुपाश्रिता। तो ये योग माया का मतलब अघटित घटनापटी ऐसी माया तो है ही, भगवान की माया भी 3 प्रकार की है। यहाँ पर योग माया कहकर किशोरी जी का स्मरण किया है। योग माया कैसी है किशोरी जी? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह सदा सर्वदा संश्लिष्यते सा योग योगा श्री राधा ताम उपाश्रितः। योग माया उपाश्रितः जो प्रतिपल प्यारे से संपृक्त रहती हैं, एक पल को भी जो उनसे पृथक हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है? ऐसे जो राधा रानी है, योगाय युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते। कहने में ये दो हैं पर तत्वतः एक हैं, इसलिए पृथक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी राधा रानी है और करुणा स्वरूपा है। जब तक राधा रानी का समाश्रय न लिया जाए, उनका अनुगत्य जीव ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका इस रस में प्रवेश ही नहीं हो सकता। ऐसी भगवती रास रासेश्वरी वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में ब्रजमंडल में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते ही नजर आते हैं, क्योंकि ये बरसाने वाली हैं। जब तक इनका अनुगत्य जीव ग्रहण नहीं करेगा तब तक हमारे घनश्याम मुरली मनोहर उस पर अपनी कृपा बरसाते ही नहीं है। इसलिए सब बरसाने वाली का ही आश्रय यहाँ ग्रहण करते हैं। तो राधा रानी के स्वरूप को समझें, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण के स्वरूप को समझें, फिर इसके बाद गोपियों के स्वरूप को समझें। गोपियां भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ग्वालिनियां मात्र नहीं है। गोपी का मतलब क्या है? गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो समग्र इंद्रियों से प्रतिक्षण प्रतिपल एकमात्र श्री कृष्ण रस का ही रसास्वादन करती हैं, वे गोपियां हैं। हम और आप भी गोपी बन सकते हैं। हमारे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ भी काशी से इस रास रस का रसास्वादन करने के लिए गोपेश्वर बन के श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, वो भी गोपी वेश बना करके पधारे। तो जैसे देवादिदेव महादेव गोपी बन करके रास रस का रसास्वादन करते हैं, ऐसे हम और आप भी गोपी बन सकते हैं। पर गोपी कब बनेंगे? जब हमारी भी समस्त इंद्रियां भगवत रस में डूब जाएं, नेत्र देखें तो केवल मुरली मनोहर माधव की रूप माधुरी को, कान सुने तो केवल कन्हैया के वेणु रव को, इस प्रकार से समस्त इंद्रियां भगवत रस में डूब जाएं, तो हम भी सब गोपी बन जाएं। गोपियों के भी कई भेद हैं, कितनी प्रकार की गोपियां हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन आता है, श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासनी दंडकारण के संत मिथिलापुर की नारियां यज्ञ सीता आदि आदि अनेक प्रकार की ब्रज गोपियां हैं। रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु जब वनवासी बन के विचरण कर रहे थे, कोई श्रृंगार नहीं, और ऐसे तापस वेश विशेष उदासी उन जटाजूटधारी भगवान राघवेंद्र के रूप माधुर्य का दर्शन करके बीतराग संत भी विमुग्ध हो गए। दंडकारण्य के परमहंस बड़े बड़े जो संत थे, इतने भगवान के रूप
माधुर्य पर लावण्य पर विमुग्ध हो गए कि सबके मन में भाव आने लगा कि हे प्रभु हमें नारी शरीर क्यों ना प्राप्त हुआ। राम हर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना भोक्तुमिच्छन् सविग्रही। अब जरा विचार करें कि जिन राघव ने कोई श्रृंगार नहीं किया था वो जटाजूट वेश पर भी और बड़े बड़े महात्मा जो विषय विनिर्मुक्त होकर के संसार से सर्वथा दूर एकांत नितांत एकांत में शांत बैठ करके निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, विषय वासना से विनिर्मुक्त जिनका चित्त हो गया है, ऐसे विशुद्ध संत भी राघव के तापस वेश पर दीवाने हो गए। तो जब महात्माओं का ये हाल है, और केवल महात्मा तो फिर भी पवित्र आत्मा है, आश्चर्य तो तब हुआ जब राक्षस भी दीवाने हो गए। सूपन खा की भगवान ने नासिका काटी, अब रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची, अपनी सारी पीड़ा सुनाई। तो जरा कल्पना कीजिए जिसकी बहन के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे वो कितना भी कृशकाय कमजोर भी होता भाई वो भी आग बबूला हो जाता। तो खरदूषण तो साक्षात रावण के समान था, उसको कितना भयंकर क्रोध आया हुआ। राक्षस तो स्वभाव से ही तमसी होते क्रोधी होते, किंतु महाक्रोध में भरा हुआ अनेक सैनिकों के साथ जब राम जी पर आक्रमण किया, और राम जी आर्द्र अपराधी हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत दो चार साल पुरानी घटना हो, तत्काल की घटना है, और ऐसे अपराधी राम जी सामने खड़े हैं, सूपनखा संकेत कर रही है अंगुलिया निर्देश से कि देखो वो रहा, इसके संकेत पर मेरी ये दुर्दशा हुई है। परंतु जैसे ही राम जी का वह त्रिभुवन कमनीय रूप देखा तो खरदूषण जैसा राक्षस एकदम स्तब्ध रह गया, कहता रुको रुको हमारा तो इसे देखते विचार बदल गया। क्या बोले, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है, इसलिए काम कितना भी इसने गलत किया हो पर बदलायक नहीं, ये बध के योग्य नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए राक्षसों के तामस चित्त पर जब इतना चमत्कार भगवान के रूप माधुरी का होता है तो जो विशुद्ध चित्त वाले हैं उनके चित्त पर क्या चमत्कार होगा। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ, भागवत में हनुमान जी कह रहे हैं पंचम स्कंद में मर्त्यावतार स्वयं मर्त शिक्षणम, राम जी का अवतार मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए, मानवों को आचरण के द्वारा शिक्षा देने के लिए हुआ है। और जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता क्योंकि चित्त बड़ा चंचल है और जन्म जन्मांतर की वासनाओं से मलिन है तो भगवान में मन कैसे लगे, सबकी यही समस्या है। तो भगवान अपना परम दिव्य रूप धारण करके प्रकट होते हैं ताकि विषयी चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो सके, इसलिए मुख्य उद्देश्य है परित्राणाय साधु नाम, दूसरे नंबर पर विनाशाय च दुष्कृतम। राक्षस उद्धार करना है, सबका कल्याण करना है, कैसे भी हो जो प्रेम से भगवान के चरणों में चित्त लगा लेते हैं उनका तो कल्याण होता ही है, पर जिनका मन नहीं लगता उनको बाण के द्वारा निर्वाण कर देते हैं। परंतु उद्देश्य तो कल्याण करने का ही है, चाहे वो कृपा से करें चाहे वो कोप से करें, भगवान का तो कोप भी कल्याणप्रद है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में इसलिए नारद जी कहते हैं तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नैव करणीयम। काम क्रोध अभिमान आदि दोष इनको मिटाना बड़ा कठिन है, ये सब नरक के पंथ हैं, तो क्या करें फिर जब मिट नहीं सकते तो इनसे कैसे बचें। बोले मिटाने के चक्कर में ना पड़ो, यदि बहुत प्रबल हैं तो इनको मोड़ के भगवान से जोड़ दो, जब यही दुर्विकार भगवान से जुड़ जाएंगे तो कल्याण के साधन बन जाएंगे। सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय में देवर्षि नारद जी भी कहते हैं गोप्य कामात भयात कंस द्वैषात चैद्यादयो नृपा संबंधात वृष्णयस्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों का काम गोविंद से जुड़ा हुआ है इसलिए उनका काम भी जगत बंदी हो गया। प्रेम एव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही काम की संज्ञा दी गई है। तो जहां भगवान तो चोर जार शिखामणि है,
वेद भगवान कहते हैं तस्काराणम पतये नमो नमः, तो भगवान इसलिए हरि हैं, सब हरण करने वाले हैं। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान तो चौराग के गण्य पुरुष हैं, इसलिए चित्त को चुराने वाले थे। नमामि चित्त चोरकम, तो सभी जगत के जीवों का चित्त चुराने के लिए ही चित्त चोर बन करके प्रभु प्रकट भए हैं, केवल माखन चुराने वाले ही नहीं है। तो राम जी बन करके भी सबके चित्त की चोरी करी, राक्षसों के चित्त को भी आकर्षित किया, और जब तापस वेश के रूप में इतना चमत्कार है, इतना आकर्षण है, तो जब दूल्हा बन के मिथिला में गए होंगे तब क्या चमत्कार हुआ होगा। इसलिए राघव के रूप सौंदर्य पर जितने भी विमुग्ध हो गए उन सब रसिकों का भगवान ने आह्वान किया और कहा देखो भाई इस अवतार में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए तुम्हारा मनोरथ हम अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करेंगे। तो जो भगवान के उस रूप माधुरी का आश्लेष पाना चाहते हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं, उन सभी रसिकों को भगवान ने ब्रज वृंदावन धाम में गोपी के रूप में बुला लिया कि सब आप आओ। जितनी श्रुतियां थी जो ब्रह्म का निरूपण करते अंत में नेति नेति कह के मौन हो गई, इदमित्थम कह करके उस तत्व को समझ नहीं सकी, पूर्णतः उसका प्रतिपादन नहीं कर सकी, वे श्रुतियां भी ब्रज की गोपियां बन करके ही उस रस का रसास्वादन करने के लिए महाराज में पधारी हैं। इसलिए सामान्य स्त्रियां गोपियां नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज रसिक जन कहते हैं कि अरे वेदांतियो, कहां उस ब्रह्म को तुम वेदों की शाखाओं में ढूंढते फिर रहे हो, वेद तो साक्षात वृक्ष है, निगम कल्प तरो। अभी पूज्य महाराज श्री गुरुदेव सुना रहे थे कुलपति जी महाराज कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो रस है, निगम मान वेद, तो वेद कल्प वृक्ष है। रसिक जन कहते हैं उस वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखाओं में तुम कहां ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो भाई। तो ज्ञानियों ने कहा कि भाई आप ब्रह्म को वेदों में न ढूंढे तो कहां ढूंढने जाएं। बोले हम बताते हैं, बोले वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, वेद रूपी वृक्ष में ढूंढना बंद करो थक जाओगे, उसको ढूंढना पाना समझना बहुत कठिन होगा, उसे ढूंढना और पाना है तो वृंदावन के वृक्ष वृक्ष के नीचे बीतियों में विचरण करो, तो किसी भी वृक्ष के नीचे बंसी वाला बंसी बजाता होगा बंसी भट पर मिल जाएगा। बोले तुम्हारी बात का प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण यह है कि यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम परब्रह्म, क्योंकि श्रुतियों ने भी बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, बहुत गाया है। भागवत में भी इस दसम स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति है, तो श्रुतियों ने खूब गाया परंतु पूरी तरह समझ नहीं पाया, इसलिए वे श्रुतियां ही ब्रज की गोपियां बन करके ब्रज में पधारी हैं और महाराज के माध्यम से उसका अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त किया, उस रस का भरपूर रसास्वादन किया। इसलिए रसो वही सह, जो रस रूप जो परमात्मा है उसका साक्षात यद रसास्वादन करना है तो महाराज के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए इन गोपियों को जाने बिना, राधा रानी को समझे बिना, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण के स्वरूप को जाने बिना महाराज में कदापि प्रवेश हो ही नहीं सकता। जनसाधारण की दृष्टि है, हमारे भगवत रसिक जी बहुत अच्छे संत हो गए हैं, उन्होंने कहा महाराज में कब प्रवेश होता है, तो उन्होंने महाराज के सप्त सोपान गिनाए, इन सात सीढ़ियों को पार करो तब महाराज में ठीक से प्रवेश होगा। कौन कौन? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन माझ जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, और सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये सात सोपान है। तो प्रथम सुने भागवत, भागवत श्रवण करना तो ये पहली सीढ़ी है, परंतु भागवत तो हमने बहुत सुनी। बोले नहीं नहीं सुनी तो है, परंतु प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये साक्षात भगवान की वाणी है,
इसलिए किसी महाभागवत के मुख से सुनो, तब सुनना सार्थक होगा। और फिर अब इन सब की व्याख्या अलग अलग करने का समय नहीं है। पांचे भूले देह सुध, पंचम सीढ़ी पर पहुंच करके पंचम सोपान पर जब साधक को शरीर का ही ध्यान नहीं रहता, देह का भान नहीं रह जाता, तब जा करके उसके हृदय की कुंज में छठवी भूमिका में पहुंच करके वह दिव्य कुंज प्रकट होती है। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, छठवी भूमिका में दिव्य हृदयस्थ कुंज प्रकट होती है, तब सातवीं भूमिका में पहुंच करके उस अलौकिक प्रिया प्रीतम के रस के रसास्वादन का जीव अधिकारी बनता है। इसलिए महारास लीला कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, और इसमें केवल जो स्त्री पुरुष के मिलन को ही देखते हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वो ब्रह्म जाल में पड़ जाते हैं। इसलिए महारास में हर किसी का प्रवेश नहीं है। शरीर में हाथ पैर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए तो उसमें ज्यादा खतरा नहीं, पर सबसे संवेदनशील स्थिति होती है हृदय की। हृदयाघात हो या हृदय में कोई व्यवधान हो, कोई रोग हो, तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो संपूर्ण भागवत का हृदय और पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्यायी है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यद हृदय हृदय की बीमारी का हृदय जैसे होता है ऑपरेशन होता है, और जगह के हाथ पैर के किसी फोड़ा फुंसी के ऑपरेशन में कदाचित कोई चूक हो जाए तो ज्यादा खतरा नहीं है, पर हृदय के ऑपरेशन में कहीं चूक हो गई तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए महारास लीला को यदि समझ में आ गया तब तो जीव का परम मंगल और कल्याण हो गया, पर इसको समझने में यदि चूक हो गई तो उतना ही जीव का पतन हो सकता है। इसलिए इसकी पात्रता हर किसी के पास नहीं है, अतः इसको पंच प्राण की संज्ञा मिली है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय प्राकर के कंदर्प को अतिशय दर्प हो गया था, तो कंदर्प दर्प दलना है, कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए है दिव्य महाराज लीला भगवान ने आयोजित की। इस लीला के जहां एक ओर रसिकों को रस का रसास्वादन किया है, वहीं दूसरी ओर कंदर्प के दर्प का दमन भी किया है इस लीला के माध्यम से, क्योंकि कृष्णावतार में भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी का भी अभिमान भगवान ने शेष नहीं रखा, सबका दर्प दमन किया है। और तो और चाहे वो ब्रह्मा जी सृष्टि करता हो, एक नूतन सृष्टि करके 14वें अध्याय में भगवान की लीला आती है कि ब्रह्मा जी का भी अभिमान तोड़ दिया कि देखो हम भी तुम्हारी जैसी सृष्टि करने में समर्थ हैं, देख लो वैसे ही बछड़े हैं, वैसा ही ब्रजवासी सब बना दिए। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम केवल शरीर बनाते हो, हम तो जीवात्मा भी बना दिए। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांग्रहादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दलसिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदाकृत भयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजह सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस श्रुति वाक्य को भगवान ने चरितार्थ कर दिया इस लीला के माध्यम से, क्योंकि लोग जानते थे भाई जीव तो परमा भगवान माने शरीर धारण कर सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, पर यहाँ तो कपड़े भी भगवान बने हुए हैं, लाठी डंडे भी भगवान बने हुए हैं। यावत करांग्रहादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु सब कुछ भगवान बन गए। सर्वम गलमिदम ब्रह्मा, भगवान ने चरितार्थ कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो हुआ है वो सभी को परम रस का रसास्वादन करने के लिए कराने के लिए हुआ है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, इस स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। भगवान का अवतार का उद्देश्य ही श्री कृष्ण अवतार में पूरी तरह है। इसलिए एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को माना, क्योंकि यहां पर भगवान ने कोई कोर कसर कहीं भी नहीं छोड़ी, सभी रसिकों को पूरी तरह रस से परिपूर्ण किया है।
भगवान के शरीर में कोई प्राकृत गुण तो होता नहीं, भगवान तो अप्राकृत है। देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते, ईश्वर के शरीर में देह और देही का विभाग नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान तो चिन्मय है, चिदानंद स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति के द्वितीय दूसरे श्लोक में कहा, अश्यापि देव बपसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोपि। प्रभु आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु हैं, ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने भी संकेत दिया। भगवान स्वेच्छामय अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अंतर्धान होते हैं। महाराशि में तनिक भी कोई प्राकृत गंध होती तो जो नैयायक हैं, वो नैयायक लोग तो बड़े तार्किक होते हैं महाराज, न्याय के जो पंडित विराजमान है वो सब जानते ही हैं कि वो कितनी सूक्ष्म समीक्षा करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग बाल की खाल निकालना। उसी प्रकार और न्याय के ग्रंथ में चीर हरण लीला का स्मरण कर रहे हैं नैयायक लोग भगवान की। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रोहस्य बीजाय। नूतन जलधर के समान जिनके दिव्य देह की है दिव्य आभा प्रवाह है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं करते क्या हैं, गोप बधूटी दुकूल चौराय, जो गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी कर लेते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज इस पंक्ति का अर्थ लगाते हैं, बोले गोप बधूटी दुकूल चौराय मतलब गोपाहा जीवाहा तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव गोप है, उसकी जो बुद्धि है वो उसकी गोपी है, उसमें जो अज्ञान का आवरण पड़ा है वही दुकूल है, और भगवान उस अज्ञान रूपी आवरण का हरण करने वाले हरि हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों का चीर पहले चुराया, उसके बाद महाराष्ट्र में उनको आने का अधिकार दिया। पहले प्रवेश पत्र दिया जाता है तभी आपको प्रवेश मिलता है, तो चीर हरण करके भगवान ने पहले गोपियों को रासलीला की अधिकारिणी बनाई, उसके बाद महाराष्ट्र में बंसी बजा करके निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। और जो वो पात्र बन गई, अधिकारिणी थी, भगवान की बंसी तो बजी, पर पहले जब बंसी बजी तो सर्वभूत मनोहरम इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम थी, तो पहले सबके लिए बंसी बजाई, परंतु आज जब रासलीला रचाने के लिए बंसी बजाई तो ये सर्वभूत मनोहरम नहीं है, जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ये बंसी तो केवल ब्रज बामाओं के ही कर्ण रंध्र में पहुंची, और जिसके बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान वही भूल गई समस्त भान और दौड़ी कृष्ण गृहीत मानसा। गोविंद के जैसे बंसी में आटा लगा करके मछली को फंसाता है मल्लाह, ऐसे ही माधव ने अपनी बंसी में स्वर फूंक करके गोपियों के कर्ण रंध्र में ऐसा स्वर डाला है कि उस स्वर का श्रवण करते ही कृष्ण गृहीत मानसा, गोपियों का मन रूपी मत्स्य माधव ने मुरली के द्वारा बंसी की तान में पकड़ के खींच लिया। तो जैसे एक बार मछली फंस गई बंसी में तो फिर निकल नहीं पाती, ऐसी गोपियों का चित्त माधव की मुरली में फंस गया और सब आ जगमुह। सुखदेव जी ये नहीं कह रहे चली गई, जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं है, आ जगमुह सब आ गई, और आ जगमुह क्रिया बता रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे अपितु रास मंडप में विराजमान होकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। यदि केवल वर्णन कर रहे होते तो कहते गोपियां चली गई बंसी सुन के, परंतु कह रहे हैं नहीं नहीं गोपियां बंसी रब सुन करके आ गई, क्योंकि सुखदेव जी भी उसी मंडप में विराजमान थे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भी गोपियों की तरह अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाएं और गोविंद अपनी मधुर मुरली के द्वारा हम सब का भी चित्त चुरावें, अपने चरणों में लगावें, और ये कोरोना जैसी भयंकर आपदा के अवसर पर हम सब का चित्त उस माधव के चरण कमलों में लगे और उनके चिंतन से हमारा जीवन सार्थक हो,
क्योंकि भगवान के चरणारविंद समस्त भयों से विनिर्मुक्त करने वाले हैं। भयम जितने भी संसार में भय हैं, ये संसार का नाम ही संसरती के संसार सरकता जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास सब काल रूपी व्याल बन करके सब उसमें समाहित होते चले जा रहे हैं। इसलिए इस काल व्याल से यदि बचना चाहें तो मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के पादाम्बुज ही इस भयंकर भय से जीव को विनिर्मुक्त करने वाले हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ गोविंद के चरण कमलों में अपने चित्त को समर्पित करते हुए और जितने श्रोता हैं हमारे परम श्रद्धेय श्री कुलपति जी महाराज और जो आयोजक हैं न्याय शास्त्र आदि व्याकरण आदि के विद्वान, उन समस्त आचार्यों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कुछ पल के लिए आप सबके बीच में वाणी पवित्र करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। कोटिशः सभी को नमन करते हुए इस वाणी को मैं यही विश्राम देता हूँ। फुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत अद्भुत अश्रुतपूर्व विषय सामने आए हम लोग के, बहुत आनंद आया। और इसी तरह से हमें आपका सत्संग मिलता रहेगा ऐसी प्रार्थना है। सौभाग्य आजग्मु वाला बहुत ही अद्भुत था, अश्रुतपूर्व था। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः बहुत सुंदर, एकदम रोमांच हो रहा है। धन्यवाद। जय हो, आपकी कृपा। हेलो, हाँ श्रूयते सर्वे। हाँ श्रूयते। परम आनंद रहा आज। वास्तव में हम लोग प्रतिदिन जो शास्त्र चर्चा करते हैं उससे जो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सप्ताह में एक दिन भागवत कथा सुन करके हम सभी आप विभोर हो जाते हैं। और आज जैसे पराशर जी महाराज जी ने बताया कि हम सभी गोपी बन सकते हैं और गोपी बन करके ही भागवत के परम रहस्य को जान सकते हैं। और हमारे कुलपति जी का क्या कहना है, रास पंचाध्यायी पर कई बार उनका व्याख्यान सुनने को मिला और तत्वतः हम चाहेंगे कि किसी दिन हमारे कुलपति जी का भी इस पर व्याख्यान हो, ज्ञान चर्चा में रास पंचाध्यायी के ऊपर। और आज बहुत सारी बातें पराशर जी ने बताई, कैसे भागवत को पढ़ना है, भागवत में कैसे प्रवेश होना है, उसमें भी रास पंचाध्यायी में किसका अधिकार है, कौन प्रवेश कर सकता है, और सचमुच में यदि उसका अधिकारी नहीं है तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। और अंत में जो एक बात कही, ऐसे महामारी काल में भगवान के चरणों में हमें चित लगाना चाहिए, तभी जाकर के इस तरह के महामारी से मुक्ति मिलेगी। साथ में पराशर जी से निवेदन है, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष इस समय लाइन पर हैं, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आचार्य हम सबके गुरुवर राम यत्न शुक्ल गुरु जी, वो अभी आशीर्वाद देंगे आप सभी को। अभी लाइव हो रहे हैं। शशांक जी, गुरु जी को लाइए। शशांक जी, शशांक को लाइए। आज हम लोग गुरु बाणी सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है, शशांक किस नाम से हैं गुरु जी वो? शशांक जी, एक मिनट हम बता रहे हैं। जी वो किस आईडी से हैं? एक मिनट आईडी बता दे। शशांक कहीं दिख रहा है क्या, या शुक्ल करके कोई है? शुक्ल हरिओम शुक्ल है। गुरुजी आ गए हैं। आ गए हैं, गुरुजी के नाम से है। मधुसूदन जी गुरुजी के नाम से है, अनम्यूट करने को बोलिए वहां से। हाँ अनम्यूट करो शशांक जी। हाँ अलाउ कर, मधुसूदन आप करिए वहां से अलाउ। हाँ गुरु, किस नाम से है वो गुरुजी? गुरुजी के नाम से प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल अध्यक्ष श्री काशी। अच्छा, जी एक करिए जल्दी गुरुजी को सुना जाए। हाँ शशांक जी, हो गया बेटा?
अभी नहीं हुआ है, ठीक है बस अब अनम्यूट रहने देना उसे ना, ठीक है हो गया ना, चलिए करिए। हो गया मधुसूदन जी? नहीं वो नहीं दिख रहे हैं गुरुजी, वो इस नाम से नहीं है गुरुजी। हेलो, अरे गुरुजी के नाम से है भाई। हाँ हाँ दिख गए, अब दिख गए गुरुजी, हो गए हो गए, अब कहेंगे गुरुजी हो जाएंगे गुरुजी। अब वो है, अब अनमुक्त हो गए गुरुजी। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। सच्चिदानंद रूप विष्णु इत्यादि तापत्र विनाश श्री कृष्ण। आज बड़े हर्ष का विषय, काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय आदरणीय कुलपति राजा राम शास्त्री जी के नेतृत्व में यहाँ पराशर जी थे प्रवक्ता, उनके माध्यम से कथा। पराशर जी नहीं दिख रहे हैं, का आयोजन किया जाए और इससे और यहाँ पर कहना है इस फिर आपत्ति काल में भगवान का स्मरण किया जा रहा है और वो भी बड़े विद्वान के द्वारा, पराशर के द्वारा, जिसका नाम पूरे भारत में, और वो भी विद्वत शिरोमण कुलपत के माध्यम से उनके देख रेख में किया जा रहा है और परम विद्वान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओझा जी के संयोजकत्व में यह कार्यक्रम बड़े प्रशंसा होने से हमारा पूरा विश्व आनंदित होगा। रास पंचाध्यायी एक ग्रंथ शिरोमणि है, उसकी कथा कहने के लिए बड़े बड़े विद्वान लालायित होते हैं। आज पाराशर जी रास पंचाध्यायी के विषय में कथा कहा, अब यह बड़ा आनंद का विषय। हम इस अवसर पर अपने को प्राप्त करके आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत हो गया। मैं ऐसे कार्य कथा के कहने वाले और जो संयोजक है और जो ऐसे ऐसे विद्वानों के बीच में मैं अपने को प्राप्त करके अभवर चरित्र का वर्णन सुन करके उसका मैं आनंद ले रहा हूँ और आप लोगों को भगवान की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ऐसी कथाओं का चारों तरफ प्रचार प्रसार करके आप लोग गतिशील हो और आप लोग भाग्यशाली हो। मैं इसी इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने आप को आप लोगों से वो आशीर्वाद देते हुए समाप्त। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। राजा राम शुक्र। हाँ, कथा का फल मिला, गुरु जी का दर्शन हो गया। ये कोरोना काल में है कि गुरु जी का नेट के द्वारा डेली हम लोगों को दर्शन हो जा रहा है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आज मैं बीमार हो गया। अरे गुरुजी, शरीर में पीड़ा थी। बीमार होंगे गुरुजी, हम गए आपका दर्शन हो जाए ले आ गया। ना आप बीमार हो ही नहीं सकते हैं, वो शब्द आप पर नहीं लागू होता है। जी जी, अब अंत में जो हमारे अध्यक्ष हैं आज के कुलपति जी और हमारे गुरुजी आचार्य राममित्र शुक्ल जी, साथ में आज के जो प्रमुख मुख्य वक्ता हैं पराशर जी और अनेक श्रोतागण देश विदेश से जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जो आज के युवा कथावाचक जो बहुत ही कथा करते हैं, संयोग से हमारे दोनों भाई विद्यार्थी भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, ऐसे नरोत्तम जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अल्प शब्दों में सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। नरोत्तम जी, नरोत्तम, अमित, मधुसूदन जी, मधुसूदन जी, नरोत्तम जी, जी गुरु जी, जी, जी कहे गुरु जी? हाँ, नरोत्तम को कहिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नरोत्तम किस नाम से? नरोत्तम अमित, अमित, अमित शर्मा। हाँ बस अमित जी,
हाँ गुरुजी। और इसके पहले एक सूचना दे दूं, अगले अष्टमी या प्रतिपदा को मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी की कथा संभवतः हो सकती है, आप सभी जुड़िएगा इसे, जो भी मनीषी लोग हैं आगे उन सभी की कथा हम लोग सोचे हैं कि करते रहेंगे अष्टमी प्रतिपदा में। और एक दिन योग पर विशेष कार्यक्रम होगा बहुत जल्दी ही 10 अगस्त के अंदर, जो कि घोषणा में करूंगा किसके द्वारा व्याख्यान होगा, जल्दी ही बताएंगे उसको। हाँ नरोत्तम जी जी हो गए अनम्यूट। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। बोलिए बोलिए। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से और रास पंचाध्यायी कथा का जो फल है कि हमारे परम आदरणीय श्री राम यत्न शुक्ल गुरु जी का भी हम सबको दर्शन प्राप्त हुआ एवं उनका आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ। इस ज्ञान चर्चा के परमाध्यक्ष हमारे देश के महान नैयायिक एवं वेदांतादि शास्त्रों में भी कृत भूरी परिश्रम एवं इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति परम सम्माननीय गुरुकल्प प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, इनके चरणों में अपने बाग पुष्पों के माध्यम से प्रणाम करते हुए कुलपति जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर आज इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम लोगों को सुलभता के साथ में प्राप्त मेरे प्रेरणा स्रोत एवं गुरु श्रीमद् भागवत कथा का संगीत के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि को पूरे विश्व में उस भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा एवं कीर्ति का विस्तार करने वाले एवं उसकी धारा को प्रवाहित करने वाले डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी को मैं अपने इस विश्वविद्यालय की ओर से एवं समस्त विद्वानों की ओर से, समस्त गुरुजनों की ओर से एवं इस जूम ऐप के माध्यम से समस्त जितने भी श्रोता एवं अध्येता हैं उनकी ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके बाद में इस अंत में हमारे इस ज्ञान चर्चा के संयोजक वैयाकरण मूर्धन्य स्वाध्याय प्रवचन रूपी साधना में सर्वदा संलग्न एवं व्याकरण जैसे महान कठिन विषय को सरलता के साथ अध्यापन कराने में दक्ष मेरे गुरुदेव, क्योंकि मैंने गुरुदेव की शरण में जाकर के वेदांत आदि शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और हमारे गुरुदेव विनम्रता की प्रतिमूर्ति और इस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पद पर विभूषित परम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर श्री ब्रजभूषण ओझा जी, आप श्री के चरणों में मैं प्रणति निवेदन करते हुए आपका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। माता जी को माता जी और वैयाकरण जगत की महान विदुषी और ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध तपो वृद्ध आदरणीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ नाम ले लीजिए, माधव जनार्दन रटाटे जी दिख रहे हैं और भी बहुत सारे, हमारे प्रमोद शर्मा जी दिख रहे हैं और कुवैत से आनंद जी दिख रहे हैं, प्रीति जी दिख रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, अन्य अध्यापक भी दिख रहे हैं, सबको एक बार बोल दीजिए। जूम ऐप के माध्यम से जितने भी समस्त गुरुजनों का नाम आदरणीय गुरुदेव ने लिया उन सबका मैं अपने वाणी से प्रणाम करते हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विस्तार। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव ने जो सूचना दी है कि संभवतः पूरा प्रयास ये है कि अगले प्रतिपदा के अष्टमी को, हाँ अगले सत्र में जो रहेगा प्रतिपदा में उसमें हम आदरणीय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज को इस भागवत की चर्चा का माध्यम बनाते हुए उनको हम श्रवण कर सकेंगे। तो गुरुदेव की वाणी लगभग सब लोगों तक पहुंच गई और मैं भी इस बात को निवेदन कर रहा हूं कि इसमें पूरा प्रयास है कि पूज्य महाराज श्री का भी कथा श्रवण करने का हमको अगली प्रतिपदा को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरुदेव प्रणाम। बिल्कुल, पराशर जी को एक बार और प्रणाम और ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालय पर कृपा बनाए रखें और कुलपति जी के चरणों में भी प्रणाम। गुरुदेव मुझे लग रहा है कि उनका मोबाइल फोन बंद हो गया है, बैटरी उनकी, हाँ इसीलिए वो दिख नहीं रहे स्क्रीन पर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। गुरुदेव प्रणाम, चरणेश्वर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई। और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और विशिष्ट विद्वानों के साथ साथ युवा विद्वानों को भी अवसर दिया जाए। आज आपने धन्यवाद ज्ञापन किया है। हाँ गुरुदेव, अभी आपको सुनेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत कथा बढ़िया करते हैं गुरुजी। अरे गुरुदेव,
आपका आपकी यदि वाणी से ये वाक्य निकला है तो गुरुजी बस जब आपका आदेश होगा तब मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हमारा हमारा यही उद्देश्य है, हम वृद्धों ने तो सब कर ही दिया, आशीर्वाद दे ही रहे हैं, अब युवा वर्ग को आगे आना है और उनका उनके ज्ञान का उनकी शक्ति का लाभ विश्व को मिले। हम जल्दी ही आपका सुनेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रथम व्याख्यान हुआ था गुरुदेव, अब फिर गुरु जी के रहते करेंगे एक दिन। हाँ, और पुंडरीक शास्त्री भी जुड़े हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, पुंडरीक का भी सुनना है। चलिए सभी हमारे गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, एवं आज पाराशर जी के माध्यम से जो रास पंचाध्याय की चर्चा हुई जिसमें अनेकानेक कथावाचक भी इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। सबको धन्यवाद। ठीक है ओझा जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। प्रतिकुलपति जी भी हैं। अच्छा है, दिख रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, प्रतिकुलपति जी भी जुड़े हुए हैं हमारे, हेतराम कछवाहा जी, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ और उपस्थित हुए, कथा को सुने, हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं, हम सभी के अभिभावक पूरे आर्ष वेश में हैं। जी 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 गुरु जी, तो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम और बाकी श्रोताओं के माध्यम से भी प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही वो जुड़े रहेंगे, कम से कम अष्टमी प्रतिपदा को तो जरूर जुड़े रहे, ये उनसे निवेदन है हमारा। अब वो रोज जुड़ेंगे, खाली हो गए। एक दिन उनका भी होगा। चलिए बहुत बहुत अच्छा जी गुरु जी, प्रणाम। और बहुत एक अच्छी सूचना है कि हमारे जो मित्र प्रमोद जी हैं उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया है। हमारा तो विश्वविद्यालय का नुकसान हुआ लेकिन हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय कि हमारा एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में सेवा के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपको इस माध्यम से भी बधाई दे रहे हैं। जी जी, सबके ओर से बधाई है इनको। आज हम लोगों ने भी कहा, इनकी विदाई भी कभी करते हैं जब ये ज्वाइन करके आ जाए, तो हम लोगों ने कहा ये तो जो है फिर ये विदाई नहीं होगी इनकी। जी जी, आज जगमुह वाला ही रहेगा। जी 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 गुरु जी। चलिए जी गुरु जी, नमस्कार सबको। प्रणाम।